नमस्कार, मैं हूँ अमित चौधरी और आप देख रहे हैं हर प्रकाश टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 22 में, जिम 30 में। आजकल लोगों का खाना पीना ऐसा हो गया है कि वो जिम बिना एक्सरसाइज के फिट रह ही नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर एक्सरसाइज की बात की जाए, एक्सरसाइज शब्द को सुनते ही हमारे जिम में जिम आता है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिम 13 के फाउंडर और वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन नॉर्थ इंडिया के प्रेसिडेंट से। उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से लोग घर में रहकर भी अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, इससे अनेक मुद्दों पर आज हम उनसे बात करेंगे। पहले तो सर मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि आपको पता है, पहले भी कोविड आया है और तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जिम को बंद करने के निर्देश भी इधर आ जा। किस तरीके से लोग बिना जिम के घर पर रहकर अपने आप को फिट रख सकते हैं? मैम, घर पे अपने आप को फिट रखने के लिए सबसे पहले तो कैलोरी काउंट करना शुरू कीजिए। कोई भी है जो लॉकडाउन में हर कोई यही करता है कि वो अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर वो अच्छे से खान पीने का ध्यान रखे तो वो मतलब इतनी कैलोरी इंटेक नहीं करेगा, और थोड़ा बहुत होम वर्कआउट करे तो शायद उनको इतनी मतलब आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा फैट बिल्ड नहीं होगा या फिर अनफिट नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी होम वर्कआउट करना भी बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे आपने बताया होम वर्कआउट कराएं, तो कोई भी ऐसी 3-4 एक्सरसाइज बताइए जो बेसिक से घर पर भी हो सकती है। घर पर करने वाली सबसे बेसिक एक्सरसाइज तो पुशअप कीजिए आप, लेग रेज, साइड बैंड, पाइप रोलिंग और पुलअप्स कर सकते हो जो भी घर पे, या थोड़ा बहुत वेट आप बाय कर सकते हो, आप उसके थ्रू भी आप ये सब कर सकते हो। बाकी आपके थोड़ा गार्डन हो साथ में, आप वॉक कर सकते हो अगर पॉसिबल हो। अगर जो फ्लैट्स में रहते हैं तो उनको घर पे ही मैनेज करना पड़ेगा। अगर देखा जाए, पिछले कोविड की बात की जाए तो उसमें अधिकतर लोग मानसिक रूप से ज़्यादा ग्रस्त हुए थे, तो अगर उस पर हमें कंट्रोल पाना हो, नियंत्रण करना हो, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होगी जिनको करके वो अपना माइंड को ठीक रख सकते हैं और मानसिक तनाव से दूर रह सकते हैं? मानसिक तनाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि बहुत अच्छा समय है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, क्योंकि इंसान इतना व्यस्त हो गया है अपनी इस लाइफस्टाइल में कि वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाता है। तो ये अपनी फैमिली को टाइम दे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करे या गेम्स इस तरह की खेले, मोबाइल से थोड़ा दूर रहे और जितना हो सके खुद को टाइम टेबल, मतलब लेजी ना रहें, बेड पे पड़े ना रहें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, फैमिली का हाथ बटाए, मेल है वो फीमेल्स के साथ किचन में हाथ बटाए या फीमेल्स है वो भी साथ में, कुछ ना कुछ एक दूसरे को मतलब बात करें, अकेले में ना रहे रूम में, कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो हो सके तो जितना है फैमिली को टाइम दे तो ज़्यादा बेटर है। मनीष जी, आपने बहुत अच्छा बोला, घर वालों के साथ अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो एक्सरसाइज के नाम पे योगा और एक्सरसाइज से बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है आप थोड़ा बताएं? योगा तो सबसे ज़रूरी है, मेडिटेशन एंड ऑल ये सारी चीज़ें तो मतलब हमारे पुराने टाइम से चले आ रहा है, सत्ययुग से ही योगा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। बट ये चाहते हैं हम कि योगा तो करना बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, कि मेडिटेशन ये सारी चीज़ें आपको मानसिक तनाव से दूर रखेगी। और बाकी आपका क्या क्वेश्चन था कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो भी ज़रूरी है, बट मेंटली स्ट्रेस और इन सब के लिए मेडिटेशन एंड योगा सबसे बेस्ट है। जी, अगर देखा जाए तो पहले समय में लोग सोचते थे कि जो हेल्दी लोग हैं उन्हीं के लिए जिम होता है ताकि वो अपनी बॉडी को फिट रख सकें, लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए तो जो पतले लोग हैं वो भी जिम ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को फिट रख सकें, तो वो किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन करते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुराना का टाइम था उस टाइम जिम का जो था, जिम सिर्फ वो लोग, आप सही कह रहे हो कि वो लोग जाते थे जिनको बॉडी मसल बिल्डअप करना, थोड़ा सा बड़ा दिखना है, डॉले शॉले। अब आज के दौर में हर तीसरे मतलब इंसान को बीपी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम या फिर अस्थमा या मतलब हार्ट अटैक बहुत छोटी उम्र में हो रहा है, क्योंकि जिम का मतलब सिर्फ बॉडी मसल्स पे काम करना नहीं, आपके ऑर्गन्स पे काम करना भी, आपके हार्ट, लीवर, किडनी, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा अगर प्रॉपर आप कार्डियो कर रहे हो अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि जो जिम जाता है उसका लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक सुधर जाता है। जैसे कि अभी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है, तो इसीलिए चंडीगढ़ प्रशासन ने जिम, होटल्स, अनेक तरीके के जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको बंद करने का निर्णय लिया है, तो क्या लगता है आपको कि जिम बंद कराना एक सरकार का सही फैसला है क्या? बाकी में अगर लोग ऐसे जाते हैं तो कोरोना को बढ़ावा नहीं मिलता?
जो भी सरकार ने फैसला लिया है मैं उसके खिलाफ तो नहीं कहूँगा, बट मुझे नहीं लगता कि जिम को बंद करवाने की ज़रूरत थी। अब कुछ परसेंट क्लाइंट्स को अलाउ करते तो भी शायद चल सकता था, क्योंकि बहुत से सैलून अब, क्योंकि हर तीसरा यूट्यूबर या वो ये कह रहे हैं ठेके खुले हैं, जिम बंद है। चलो उस टॉपिक में हम बात नहीं करेंगे, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जिम कम्युनिटी में बहुत से लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, एक हाउसकीपिंग स्टाफ से लेकर ट्रेनर, जनरल ट्रेनर, रिसेप्शनिस्ट, बहुत से लोगों को रोज़गार मिला इससे और सबको सबके घर चलते हैं, तो वो सभी का सब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं की गई है। पिछले लास्ट टाइम भी दो बार जिम बंद हो चुके हैं, ये थर्ड टाइम बंद हो रहा है। तो मतलब इस तरह तो बहुत से जिम ऐसे थे जो बंद भी हो गए हैं, जिनका दिवाला निकल चुका है, कई बहुत से लोगों ने सुसाइड किया है। बट मतलब चलो अगर कंप्लीट लॉकडाउन होता तो सभी के लिए इक्वल होता, ऐसा नहीं है कि जिम में, क्योंकि जिम के लोग ही ऐसे हैं जो डिसिप्लिन का पालन बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे जिम खुलवाती तो बहुत अच्छे से यहाँ मतलब क्लाइंट्स फॉलो करते, और मुझे नहीं लगता कि जिम में कोविड बढ़ेगा और हम पूरे प्रिकॉशंस के साथ हर कोई इसका पालन करता है। तो मतलब ये फैसले को मतलब देखा जाए तो सही भी है और गलत भी है। मतलब हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में कोरोना ना बढ़े, बट जो चीज़ें जिम ओनर्स को फेस करनी पड़ रही है, मतलब किसी तरह रेंट में या किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है या कोई अल्टरनेट दे कि हमें किसी तरह से हमारा घर चलाने को ऑप्शन मिल रहा है, तो हम शायद ये ठीक भी हो। बट मुझे मतलब मैं तो मतलब मैनेज कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे जिम वाले जिनको अभी बहुत कम टाइम हुआ और वो नहीं मैनेज कर पा रहे तो बहुत तकलीफ़ में है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रास्ता इसका निकालना चाहिए कि जिसकी वजह से मतलब सभी के घर चल पड़े, ये ना हो कि मतलब बंद करना ही अल्टरनेट, या सभी को बंद कर ले तो समझ आता है कि पूरा देश बंद है तो क्या करें। बट अगर बात की जाए कोरोना की तो कहीं ना कहीं ऐसे कहा जाता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है उसमें कोरोना जल्दी से अटैक करता है, तो जिम में कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और कहीं ना कहीं कोरोना से लोग बाग दूर। ऑब्वियसली जिम, जो भी पर्सन वर्कआउट करता है, उनका लाइफस्टाइल वर्कआउट करने का है, उनको बीमारियों में मतलब बीमारियां इतने जल्दी उनके अटैक करती ही नहीं है। इम्यून सिस्टम ऑब्वियस, कार्डियो वर्कआउट जो रहता है, वेट ट्रेनिंग रहती है, खान पान हर चीज़ में वो ध्यान रखता है, खुद का नशे से दूर रहता है, तो ऑब्वियसली जो इंसान स्ट्रांग होगा तो इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग होगा। तो इसका भी मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ जिम चेंज करता है, मतलब जिम की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल सुधरता है तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम बढ़ता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा मनीष जी का कहना है कि जो लोग मानसिक रूप से कोरोना के टाइम पे ग्रस्त हो गए थे वो लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बात की जाए इम्यूनिटी सिस्टम की, इम्यूनिटी सिस्टम जिम में आने से और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लोग तरह तरह के एक्सरसाइज करते हैं जिनसे लोग फिट तो रहते रहते हैं और साथ साथ अनेक बीमारियों से भी बच सकते हैं। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आज प्रकाश टीवी पर, मैं अभी चौधरी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।